झारखंड में लगातार कहा जा सकता है कि इस 32 महीने की सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसी एक सोसाइटी के हुआ तो महिला समाज को हुआ। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी जैसी शरीकों में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना घटी। अगर जनवरी 2020 से लेकर मई 2022 की हम बात करें तो सरकारी आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं हैं। इसमें रेप के 4077 घटनाएं घटी। केवल आज महिलाओं के विषय पर ही आज आपको ले जाना चाहता हूं, ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। और सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना हमारे आदिवासी बहनों के साथ होती है, चाहे रूपा तिर्की हो, ऐसे साहिबगंज में हमारी रहने वाली संध्या हो। और इस राज्य में पता नहीं क्यों हमारी बहनों के साथ बलात्कार की घटना घटती है, अनाचार होता है, तेजाब फेंके जाते हैं, पेट्रोल से लोगों को, बहनों को जलाया जाता है। पाशविक काम घटनाएं घटती हैं तो राज्य की सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। इसलिए मैं एक अंकिता हमारी बेटी सरीखी जिसका देहांत हुआ है, वह झारखंड जिस प्रकार से घटना घटी वो दिल को दहला देने वाली घटना है, मन को मर्माहत करने वाली घटना है, जिसके कारण केवल झारखंड में ही आक्रोश नहीं है बल्कि पूरे भारत की जनता आज आक्रोशित है। और उसका मूल कारण क्या है, इन चीजों पर भी हम सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। क्यों अंकिता आज हमारे बीच नहीं है, अंकिता आज हमारे बीच क्यों नहीं है, हमारी बेटी हमारे बीच क्यों नहीं है? 23 अगस्त को घटना घटती है 4:30-5 बजे और घटना घटने के 12 घंटे तक राज्य सरकार को, जिला प्रशासन है वहां का, वह केवल खाना पूर्ति करते रहा। वो एक निर्धन परिवार और गरीब घर में जन्मी हमारी बेटी थी। उसका दोष इतना था कि वो पढ़ी लिखी थी, शिक्षिका बनना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। दोष इतना ही था कि वो मां जिस कोख में पैदा ली वो गरीब की कोख थी, वो गरीब की कोख थी से पैदा हुई बच्ची थी, तो इतना ही थी। वो निर्धन घर में पैदा हुई थी, इसलिए उसके इलाज में भी उसके पिताजी के पास पैसे का अभाव था, आर्थिक अभाव था। 12 घंटे के बाद उसके पिताजी ने आर्थिक सहयोग कुछ हमारे अपने जो के साधन से उसको रांची रिम्स में लाने का काम किया। उसमें कोई भी जिला प्रशासन की कोई भूमिका नहीं, और वहां के जो डॉक्टर हैं दुमका के, उनके रिपोर्ट्स में आया कि वो 46% जली हुई, 46% हिस्से उसके जले हुए, ऐसा रिपोर्ट दुमका के डॉक्टरों के द्वारा दिया गया था। जब रिम्स आई तो रिम्स आने के साथ ही वह एक जनरल वार्ड में पड़ी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारी बहन आरती, महिला मोर्चा को मैंने आग्रह निवेदन किया
कि उस बच्ची और उस बच्ची के परिवार के साथ केवल संवेदना ही नहीं करना है, सहयोग करना है। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने QR कोड के माध्यम से आर्थिक सहयोग करने का काम किया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, पर्याप्त नहीं था, पर्याप्त नहीं था। सरकार उस समय क्या कर रही थी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। रोम जल रहा था और राजा वहां के बंसी बजा रहे थे, बंसी रोम के बारे में कहा कहावत है। उसी प्रकार से झारखंड जल रहा था और झारखंड के मुख्यमंत्री सीटी बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे, पिकनिक कर रहे थे। जब राजा का संवेदनहीन हो जाए तो प्रजा में आक्रोश होना स्वाभाविक है। वही आक्रोश आज झारखंड की जनता और जनता के हृदय में। और जब पत्रकार उनसे पूछता है, मैं कल देख रहा था उनका इंटरव्यू, बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है कि समाज में इस प्रकार की घटनाएं तो घटती रहती है। वाह रे मुख्यमंत्री जी, वाह रे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, ये क्यों आप एक पत्थरबाज को जो अपराधी प्रवृत्ति का था, अपराधी प्रवृत्ति वाले जो हम कोई सबको जानते हैं कि मेन रोड में जो घटना घटी थी, एक पत्थरबाज घायल हुआ था, उसके लिए राज्य की सरकार ने क्या किया? एयर एम्बुलेंस से भेजने का काम किया। और ये सच है, सरकार का काम है कि हर की जान की बचाने का काम सरकार करे, लेकिन एक आंख में काजल और एक आंख में लट्ठोई चलेगा क्या? आपने उसको बचाने का काम किया, अच्छा किया, इस पर कोई हम प्रश्न नहीं लगाना चाहते, लेकिन आपने अंकिता के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया, ये झारखंड की 3.5 करोड़ जनता पूछना चाहती है मुख्यमंत्री। निर्भया कांड भी हुआ था दिल्ली में, आप सबको याद है। सरकार, उस वक्त की सरकार ने उसको सिंगापुर भेजने का काम किया। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और सब उसके नजरों में, उनकी सरकार के नजरों में सब बराबर होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके संविधान का जो शपथ लेता है उसको काम करना चाहिए। अब क्या मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परिवार को एक दिन की घटना नहीं घटी है अंकिता के साथ, वह लगातार जो अपराधी है शाहरुख हुसैन, उसके द्वारा लगातार 2 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था और उसकी फरियाद वो लगातार उसके परिवार के लोग वहां के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कहते रहे। और जब ये शिकायत करती थी, उसके परिवार के लोग जब शिकायत करते थे, तो उस अपराधी का बड़ा भाई सलमान, सलमान मियां, सलमान खान जी, इसके परिवार को डराया करते थे, धमकाया करते थे। और तो और वहां के एक DSP महोदय है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की तरह काम करने वाले, मोहम्मद नूर मुस्तफा। अब उनका क्या काम है? चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वोट डलवाने का काम करो, खनिज संपदा को लुटवाने का काम करो, और उसके असूली में राजनीतिक नेताओं को हिस्सेदार बनाओ और कानून और अपराधियों के साथ मिलकर कानून को ठेंगा दिखाओ। यह है नूर मुस्तफा मियां, DSP साहब है वहां। अब उनकी करतूत इस केस में, जब FIR होता है और जब FIR हुआ तो क्या चलाकी देखिए, उस बच्ची के उम्र को
बढ़ा दिया गया और अपराधी के उम्र को घटा दिया गया। क्यों किया गया? हम सब कोई जानते हैं कि एक कानून है, उस कानून के तहत जो एडल्ट नहीं है, बच्चे हैं, उनके लिए अलग कानून बना, जिसको क्या कहते हैं, जुवेनाइन कानून, के तहत उस अपराधी को सजा ना मिले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार को, बैठे हुए जो सत्ताधारी दल है, उस डीएसपी पर भी एफआईआर के मुकदमे दर्ज हो, हत्या के मुकदमे दर्ज हो, संयंत्र के मामले में 120 बी भी उन पर लगाया जाए। मैं कहना चाहता हूं, अब एक उनके साथ अपराधी है, मिस्टर शाहरुख खान के साथ एक अपराधी है, नईम का, देखो चोटू का, उनका संबंध, उनके संबंधों के बारे में जांच होनी चाहिए। उसका संबंध कहीं पीएफआई के साथ तो नहीं, उनका संबंध पीएफआई के साथ तो नहीं, क्योंकि पाकुड़ साहेबगंज दुम संताल परगना पीएफआई के